चाहते हैं कि इंसानियत के ऊपर काम करें, आपस में उख़वत व मोहब्बत, प्यार, उल्फत, ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, एक दूसरे की हमदर्दी होनी चाहिए और जितने रिफाही काम हैं उन्हें हम एक दूसरा मिल बांट करके करना चाहिए। अगर हमारे भाई कुछ कमज़ोर हैं, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कैसे ही हो, उनका उनके साथ हमें हर वक्त खड़ा रहना चाहिए। का जो चुनाव हुआ है उसमें आप निर्वाचित हुए हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। तो ये जो चुनाव था इसमें कितना किस तरह का इम्तहान रहा आपका? असल में चुनाव तो चुनाव होता है और लोगों की जो मोहब्बत मेरे साथ रही है वो नाकाबिल बयान है और हमेशा लोगों की मोहब्बत मेरे साथ तकरीबन 4-5 साल से चली हुई आ रही है। पहले टर्म में भी लोगों ने के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में आप हजरात ने देखा कि कितना काम हुआ, तो लोगों की बात समझ में आई तो अब भी लोगों ने मोहब्बतें दी। सबसे हम मिलेंगे। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है बिल का ही जनसंख्या को लेकर दो बच्चों को, जिनके ज्यादा बच्चों को ना चुनाव 70 योजनाओं से वंचित रहेंगे, उसका क्या कहना है आपका? ये गलत है, हम इसकी मजम्मत करेंगे। जो दंगे से पीड़ित हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उस पर आपकी जमीयत जो है कितनी कार्रवाई करेगी, इस तरीके से लोगों ने जमीयत उलमाए हिंद अपने तई तो लोगों को उनके पैरों पर खड़ा कर रही है। आपको भी इल्म है गोकलपुरी की पूरी मार्केट, जिनके कारोबार तबाह हो गए, दुकानें बना करके दी, उनके पैरों पर माली ताउन से उन भी किया गया ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी तरीके से जिनके घर फूक गए थे वो घर जमीयत उलमाए हिंद ने संवार करके दिए। इसी तरीके से कितने आदमियों को घर बना करके दिए, ये तो मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन शिव विहार में जितना भी नुकसान पहुंचा वो जमीयत ने किया। इसी तरीके से गढ़ी मैंडो में जो नुकसान पहुंचा वो भी जमीयत उलमा हिंद ने किया, गोकलपुरी मार्केट में जो नुकसान हुआ वो भी जमीयत उलमा हिंद ने किया, पूरा का पूरा। ये तो आपने पहले कार्यकाल में हुआ था, जब आप आज से दोबारा चुने गए तो अब क्या काम हुआ? तो अभी कार्यकाल शुरू हुआ है, जब क्या नाम कुछ दिन गुजरेंगे तब आप निर्वाचित हुए हैं, आपके दूसरे कार्यकाल में आप ऐसी कौन सी प्लानिंग करेंगे जिससे और लोगों को फायदा पहुंचे ज्यादा से ज्यादा? इसका एक उसूल है, सदर का चुनाव जरूर है लेकिन सदर तन्हा कुछ नहीं कर सकता, बाज़ाब्ता आमला बनेगी और आमला में जो चीज़ें तय होगी उसके ऊपर अमल किया जाएगा। मौलाना साहब, पिछली बार मीठी ईद पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपने ईद किट के नाम से मुसलमान के काफ़ी परिवारों को या इंसानियत के लोगों को काफ़ी किटें बांटी थी, क्या अब जो ईद आ रही है उस पर भी कुछ ऐसा प्रयास है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत हर ईद पे, बकरीद पे, हर त्यौहार पे ये ताउन करती है लोग, ताकि वो लोग भी हमारे साथ शरीक हो सके। एक सवाल तीखा ले सकते हैं मौलाना साहब आपसे? बिल्कुल ले सकते हैं। इससे पहले जब आप दिल्ली प्रदेश सदर थे और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था उस चंदे में आपके ऊपर आरोप लगा था घोटाले का, तो उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास तो, मेरे ऊपर तो किसी ने आरोप न लगाया और इंशाल्लाह न लगने वाला। और कहा गया कि ये जो मिंबर साजी हुई है ये मिंबर साजी आपने बिना प्रोटोकॉल के की है, ये गलत कहा, किसी जिसने भी कहा गलत कहा है। हमारी जमात दस्तूरी जमात है और जाबते की जमात है, जाबते में मुझे भी रहना पड़ेगा और को भी रहना पड़ेगा, जितने लोग इसके मिंबर होंगे उन्हें जाबते में रहना पड़ेगा।